क्या आप एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच करने वाले हो या फिर कर चुके हो और यार पागलों की तरह स्ट्रगल कर रहे हो मेरे जैसे। मेरे स्ट्रगल्स की पूरी लिस्ट सुनने के बाद आप अपने एंड्रॉइड फोन को ना किस करने वाले हो कि बहुत सारे बेसिक फीचर्स आपको आईफोन में मिलते ही नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद बैक बटन। आईफोन सबसे पहले आप खरीदते हो तो सबसे बड़ी परेशानी भाई साहब होती है कि बैक कैसे जाना है। किसी भी ऐप में स्पेसिफिकली बैक जाने का नहीं दिया है। कभी टॉप लेफ्ट की तरफ बैक जाने का होता है, कभी स्वाइप लेफ्ट करना होता है, कभी टॉप राइट हैंड साइड पे बैक बटन रहता है। अरे यार कुछ स्पेसिफिक नहीं है। 2 हफ्ते तो लग जाते हैं आराम से ये बैक मिस्ट्री सॉल्व करते करते। लेकिन एंड्रॉइड में आपको पता होगा कि बैक जेस्चर है या फिर बैक बटन से आप बैक किसी भी ऐप से जा सकते हो। आईफोन में अगर आप बैक ढूंढते-ढूंढते फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो सीधे होम पे चले जाते हो। नंबर 2, क्या आईफोन रियली में सेफ है? अगर आपके फ्रेंड को आईफोन के लॉक कोड का पता है तो वो सेटिंग्स में जाके आपके एप्पल आईडी के पासवर्ड को चेंज कर सकता है बिना करंट पासवर्ड जाने। और उससे नुकसान ये होता है कि आप खुद ही अपने एप्पल आईडी से लॉक आउट हो जाते हो एंड उस फ्रेंड को आपके आई क्लाउड के सारे ही डेटा का एक्सेस मिल जाता है, फाइल्स, फोटोज, वीडियोस, एनीथिंग। आईफोन सेफ हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। आपको फोन सेटिंग्स में स्क्रीन टाइम पे जाना पड़ेगा। जी हाँ, स्क्रीन टाइम आप सोच भी नहीं सकते कि सेफ्टी और स्क्रीन टाइम कुछ बात नहीं बन रही, लेकिन उसमें ही जाकर अकाउंट चेंज मिलेगा और उसको आपको डोंट अलाउ पे करना होगा। अगर आपका फ्रेंड ये नहीं जानता तो आप उस पे ये ट्राई कर सकते हो, बस प्रैंक करना, ब्लैकमेल नहीं। ना एंड्रॉइड फोन आप यूज करते हो तो जितने नोटिफिकेशन आते हैं सबको आप एक बार में क्लियर ऑल कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप हर ऐप को कस्टमाइज कर सकते हो कि हमें क्या नोटिफिकेशन चाहिए। जैसे व्हाट्सएप में आप ग्रुप नोटिफिकेशंस को, जोमैटो में आप प्रमोशनल नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हो, पर आईफोन में नहीं होता। पहली बार तो आईफोन में जितने नोटिफिकेशंस आते हैं उनको आप एक बार में क्लियर ऑल नहीं कर सकते हो। दूसरी बात कि किसी भी ऐप में जाके यार आप कस्टमाइज नहीं कर सकते नोटिफिकेशंस को, पूरा ऑफ करना पड़ेगा। जैसे व्हाट्सएप पूरा ऑफ हो जाएगा, जोमैटो पूरा ऑफ हो जाएगा। बेसिक चीजें हैं और बहुत पेनफुल होता है यार रियल लाइफ में। सांस ले लो। 4th नंबर पे आते हैं, फोटो गैलरी। अब जब आप अपने एंड्रॉइड फोन से फोटोज लेते हो यार तो पिक्चर्स जो है फाइल मैनेजर में चली जाती है, इमेज फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा, किसी को सेंड कर सकते हो, ओरिजिनल रहती है, कंप्रेस नहीं रहती है। लेकिन आईफोन में फोटो गैलरी में जितनी भी पिक्चर्स आपको दिखती हैं वो फाइल मैनेजर में नहीं जाती है। वियर्ड राइट? अब फाइल मैनेजर में भेजने के लिए आपको फोटो खोलनी पड़ेगी, उसमें मोर पे जाना पड़ेगा एंड देन आपको सेव करना पड़ेगा किसी भी इमेज को फाइल बनाने के लिए। और ऐसा इसलिए करना पड़ता है यार, फोटोज को गैलरी से डिलीट करो ना वो आई क्लाउड से भी डिलीट हो जाती है। तो कभी कभी ये चीज हैंडी आती है कि हमें फाइल में अलग से पिक्चर्स को सेव करना पड़ता है। नंबर 5 है कॉलिंग। एंड्रॉइड फोन्स में अगर आप व्हाट्सएप कॉल पे हो एंड आपको नॉर्मल कॉल आती है तो व्हाट्सएप कॉल को आप होल्ड पे रख सकते हो। हाउ कन्वीनियंट इज दैट? लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता है, आपकी व्हाट्सएप कॉल कट जाती है अगर आप दूसरी कॉल रिसीव करते हो। और बताऊं, आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आईफोन में, एंड्रॉइड पे आप कर सकते हो। अच्छा और बताऊं, आईफोन में आपने देखा होगा किसी के पास आईफोन 11 हो या आईफोन 15 हो, टोन वही रहती है, क्योंकि एक से एक घटिया नोटिफिकेशन टोन्स आपके सेटिंग्स में मिल जाती हैं, अनलेस कि आप पे करके खरीदो। अच्छा और बताऊं, आप कॉल रिकॉर्ड में जाते हो तो भाई 4 दिन पहले का कॉल देखना होगा ना, बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल, स्काइप कॉल, गूगल मीट कॉल, भाई सबके रिकॉर्ड जो ना मिक्सड अप हो जाते हैं कॉल से। अच्छा और बताऊं, एंड्रॉइड फोन्स में किसी को कॉल करना है 3-4 नंबर यहाँ पे टाइप कर दो, नेम्स आ जाएंगे उस नंबर से रिलेटेड, लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता है, कोई नेम सजेशन आपको नहीं मिलता है कॉन्टैक्ट से। अच्छा एक और बात और जान लो, एंड्रॉइड फोन में आपके नंबर टाइप कर रहे हो, बीच का कोई डिजिट गलत हो गया तो आप कर्सर ले जाके उस पर्टिकुलर डिजिट को डिलीट कर सकते हो। आईफोन में पूरा नंबर आपको हटाना पड़ेगा तब आप करेक्शन कर सकते हो। बाप रे भाई, कॉलिंग ऐप में बहुत चोचले हैं। अच्छा 6 पॉइंट भी बताऊं, अब एंड्रॉइड में आप कैमरा ऐप को खोलो, उसमें ग्रिड्स वगैरह लानी है तो आप वहीं से सेटिंग्स में जाके ला सकते हो, लेकिन आईफोन में कोई भी ऐप हो अगर उसमें आपको ग्रिड्स ऑन करना है तो फोन सेटिंग्स में जाके कैमरा ऐप पे जाना पड़ेगा और वहां से आप ग्रिड्स को ऑन कर सकते हो। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है एंड दूसरे ऐप्स के साथ भी यही होता है, कोई सेटिंग चेंज
कमी है, आपको फोन सेटिंग में जाना पड़ेगा। मेरी सांस फूल गई, पानी पीने दो। 2000 years later. थोड़ा सा फोन गर्म हो जाता है यार, चार्जिंग रुक जाती है, फिंगरप्रिंट अनलॉक भी नहीं होता है यार। अब एंड्रॉइड फोन्स में यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है या साइड में रहता है, आप आराम से बिना इस पे देखे अनलॉक कर सकते हो। लेकिन फेस आईडी का यूज होता है, आईफोन में फिंगरप्रिंट का यूज आप नहीं कर सकते। एंड फोन यार बिल्कुल सामने होना चाहिए, तब आपका अनलॉक होगा। ऐसे साइड वाइड से करोगे ना, नहीं हो सकता। और सुनो, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पॉज बटन नहीं है, सीधे स्टॉप करो, नहीं तो वीडियो बनाते रहो, जिससे बहुत लंबी फुटेज बन जाएगी एंड अनवांटेड सीन्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली स्टोरेज स्पेस बढ़ जाएगी। ये बहुत ही बेसिक फीचर है एंड आज तक आईफोन ने पॉज बटन नहीं दिया है वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, अरे यार एंड्रॉइड फोन्स में बहुत इजी है लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना। आईफोन में क्रोम का कोई पेज है, आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद आप उस पर टैप करो, लॉन्ग पे जाओ, फिर फ्रेमिंग करो कि कितनी ज्यादा साइज आपको चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट की। मल्टीपल स्टेप्स करने पड़ते हैं यार एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट के लिए। वैसे पूरी लिस्ट सुनने के बाद आपको क्या लगता है, एंड्रॉइड फोन बेटर है या फिर आईओएस वाला फोन हमारा जो आईफोन है वो बेटर है? कमेंट में जरूर लिखना, हम सब लोग पढ़ना चाहेंगे कि आपकी क्या ओपिनियन है यानी आपको क्या पसंद है। मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हैं टकीला टी, जहां आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज और टेक एक्सप्लेनर्स, और मैं ऐसे ही वीडियो यार बनाती रहती हूं, तो सब्सक्राइब कर लेना और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।